Dear students, our next topic is shortest distance between two skew lines. What do you mean by skew lines? Skew lines kya hoti hai? In space, there are lines which are neither intersecting nor parallel. Neither intersecting nor parallel. Such pair of lines are non-coplanar. इस टाइप की जो लाइंस का पेयर है वो नॉन कोप्लैनर होता है एंड आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. इस टाइप की लाइंस को कहते हैं स्क्यू लाइंस. क्लियर? इन स्पेस देयर आर लाइंस व्हिच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल. ना तो इंटरसेक्ट कर दिए ना पैरेलल है, राइट? सच पेयर ऑफ लाइंस आर नॉन कोप्लैनर. कोप्लैनर नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है एंड आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. नाउ as example there are two lines r is equal to vector a1 plus lambda b1 and r is equal to vector a2 plus mu b2. We have two skew lines. Now we will find the shortest distance between two skew lines. Direct form use karunga main isme shortest distance between skew lines. Form kya hoga? Vector a2 minus a1 dot b1 cross b2 by magnitude of b1 cross b2 clear? Shortest distance form clear. Okay, ऐसे magnitude sign आप separate भी use कर सकते हो. इस तरह से magnitude of a2 minus a1 dot b1 cross b2 or we will use Hall by b1 cross b2, magnitude of b1 cross b2. Clear? a2 minus a1 का जो result है उसका dot product with b1 cross b2. Okay, b1 and b2 are the vectors or the lines, ठीक है, which are in the direction or parallel to the given lines by magnitude of b1 cross b2. As example, हम एक example ले रहे हैं इसमें. Now, देखिए given lines are r is equal to equation of first line I cap plus 2j cap plus 3k cap. ये a1 है I cap plus 2j cap plus 3k cap. I cap minus 3j cap plus 2k cap. ये b1 है r is equal to a1 plus lambda b1. Now second line r is equal to 4i cap plus 5j cap plus 6k cap. ये a2 है plus mu 2i cap plus 3j cap plus k cap. क्लियर है? r लाइन की इक्वेशन हो किस फॉर्म में? r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इज इक्वल टू a2 प्लस mu b2 फॉर्म. नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका जो फॉर्म है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, राइट? नाउ इस फॉर्म की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो देखिए क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, let a1 i cap plus 2j cap plus 3k cap and a2 is equal to 4i cap plus 5j cap plus 6k cap. a2 minus a1 4i cap plus 5j cap plus 6k cap minus i cap plus 2j cap plus 3k cap. a2 minus a1 is 3i cap plus 3j cap plus 3k cap. Clear? a2 minus a1. Now b1 cross b2, b1 cross b2, b1 cross b2. First row I cap, j cap, k cap. b1 ये है 1 minus 3 2, 1 minus 3 2 and b2 2 3 1. Okay? Now I cap minus j cap plus k cap. Minus 3, minus 6. Minus 3, minus 6.
जी कैप 1 माइनस 4 के कैप 3 प्लस 6 B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू -9 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 9 k कैप एंड ऑल्सो रिक्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इज अंडर रूट स्क्वायर ऑफ -9 स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 9 ओके रूट 171 19 मल्टीप्लाई 9 मीन 3 रूट 19 नाउ पुट द वैल्यू क्लियर है B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आपके पास है नाउ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 जो क्या जो भी आपकी फॉर्म की रिक्वायरमेंट है वो पहले ही कंप्लीट कर लो A2 माइनस A1 फाइंड कर लिया B1 क्रॉस B2 फाइंड किया उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया नाउ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये क्या होगा A2 माइनस A1 ये रहा B1 क्रॉस B2 ये रहा नाउ डॉट प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई माइनस 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 ओके प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 नाउ आवर रिजल्ट इज -27 A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 9 पुट द वैल्यू क्या होगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये अगर नेगेटिव आ जाता ना तो भी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती मैग्नीट्यूड साइन ना आप पॉजिटिव यूज करोगे 9 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 3 रूट 19 3 बाय अंडर रूट 19 ये डिस्टेंस है आपकी 3 बाय अंडर रूट 19 यूनिट राइट ये आपका आंसर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस फॉर्म क्लियर रखो फॉर्म की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है A2 माइनस A1 R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 A1 A2 B1 B2 फर्स्ट A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 देन B1 क्रॉस B2 B1 एंड B2 का क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर देन आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 राइट A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2 ये कंप्लीट करो नाउ जितने भी आपकी वैल्यूज है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 पुट करो इसमें बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 योर आंसर अब आपका क्वेश्चन अगर कार्टिजन फॉर्म में गिवन हो तो कार्टिजन फॉर्म में उसको वेक्टर फॉर्म में आप चेंज करो स्ट्रेट लाइन कार्टिजन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कार्टिजन फॉर्म में गिवन है देन उन्हें वेक्टर फॉर्म में चेंज करो और फिर यही फॉर्म अप्लाई करो टू एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल वेक्टर फॉर्म है सेकेंड एग्जाम्पल कार्टिजन फॉर्म है उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करो सेकेंड एग्जाम्पल जो आपका वो कार्टिजन फॉर्म है आप उसको चेंज करो किसमें वेक्टर फॉर्म में क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और सभी इसी फॉर्म में अभी देखो ये तो एग्जाम्पल था क्लियर है बोर्ड से नोट करेंगे आप वीडियो पॉज करके नेक्स्ट अभी इसी यूनिट में आप देखिए आपकी जो यूनिट है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है एज एग्जाम्पल योर क्वेश्चन इज आर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप ओके इसमें लैम्डा म्यू फॉर्म नहीं है ये आपकी जो इक्वेशन है वो टी और एस के फॉर्म में होगी 1 माइनस टी टी माइनस 2 3 माइनस 2 टी ओके नाउ आर इज इक्वल टू ए वन प्लस टी बी वन होगा देखो I कैप माइनस 2 J कैप प्लस 3 K कैप ओके
I cap minus 2j cap plus 3k cap plus t, t के मल्टीप्लाई में क्या है माइनस आई कैप लिया प्लस जे कैप माइनस टू के कैप एंड सेकंड लाइन जो है वो एस के फॉर्म में आर इज इक्वल टू देखो टी और एस के फॉर्म में एस प्लस वन आई कैप प्लस 2s minus 1 j cap plus minus 2s plus 1 minus 2s plus 1 k cap r mean r is equal to आपका जो फॉर्म है वो a2 plus sb2 फॉर्म में होगा I cap minus j cap ओके माइनस के कैप एस के मल्टीप्लाई में क्या है आई कैप ओके प्लस टू जी कैप माइनस टू के कैप अभी फॉर्म क्लियर है इस क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व करोगे आर इज इक्वल टू ए वन प्लस टी बी वन आर इज इक्वल टू ए टू प्लस एस बी टू लैम्डा और म्यू नहीं है टी एन एस है ए वन ए टू बी वन बी टू सॉल्व कर लेंगे आप इसे ठीक है 14.5 कंप्लीट सॉल्व करें आप 14.5 कंप्लीट सॉल्व करें अभी इसमें वन वीडियो और सेंड करूंगा आपको मैं इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में